आज हम बनाने जा रहे हैं कचौरी और सब्जी जो हर किसी की फेवरेट होती है। इसके लिए हमें चाहिए चने पानी में भिगोए हुए और साथ ही में चाहिए हमें 5-6 आलू। इसे अच्छे तरीके से धो के आलू को 2 भागों में काट देंगे ताकि ये अच्छे से उबल जाए, उबलने में आसानी हो इसे। और इसे कुकर में हम ऐड करके चने और आलू, देखिए चने ऐड किए और साथ में आलू को भी ऐड करेंगे और इसमें पानी डालेंगे और इसे सीटी लगने के लिए गैस पे हाई फ्लेम पे कुकर की ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। इतने देर में हम मैदे में ऑयल और जमाइन मंगरेला और थोड़ी सी नमक ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना होता है, इसे अच्छे से मिलाए हाथों से। इतनी देर में कुकर हमारी सीटी दे रही है, इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। दो सीटी लगने के बाद इसे हम कम कर देंगे और इसमें मैदे में पानी ऑयल ऐड करके अच्छे से इसे गूंद लेंगे। ज़्यादा गीला ना करें, देखिए ऐसे ही सान लेने हैं। उसके बाद हम प्याज को छील लेंगे, थोड़े प्याज लेके छील लेंगे इसे और धो भी लेंगे साफ करके अच्छे तरीके से इसे। मैंने यहाँ पे 4 या 5 आप प्याज ले सकते हैं और इसे धो के इसे अच्छे से पतले पतले शेप में काट लेंगे। इतनी ही देर में हमारी आलू और चने अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये ठंडा हो सके और फिर आलू को छील लेंगे। आलू को अच्छे से छील ले और इसे ठंडे पानी से धो दे ताकि ये साफ़ हो जाए। उसके बाद हम कढ़ाई में तेजपत्ता, 2 लाल मिर्च, जीरा, गरम मसाला और प्याज ऐड कर देंगे। इतने में इसमें हम नमक, हल्दी, जीरा, लहसुन और जीरे की पेस्ट, लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च और गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसे कम फ्लेम पे फ्राई करने के बाद इसमें चना आलू ऐड करके इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्राई इसे करके कम छोड़ देंगे। हम अदरक भूल गए थे इसलिए हमने लास्ट में अदरक ऐड किया। इसे दूसरे बर्तन में ऐड करके फिर इसमें पानी ऐड करके इसे कम फ्लेम पे छोड़ देंगे और लास्ट में हम इसमें कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे और इसे चला के थोड़ी कम फ्लेम पे छोड़ देंगे। थोड़ी देर में देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। इसे थोड़ी देर तक छोड़ दे ऐसी कम फ्लेम पे और ये देखिए हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार। और ये दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, एकदम बढ़िया। और हमने तब तक ये सत्तू थोड़ी सी पहले से बना रखी थी और फिर आटे की थोड़ी थोड़ी लोई लेके छोटी सी लोई काट के इसमें सत्तू को थोड़ी सी ऐड करके इसे छोटी छोटी पूरी की तरह बेल लेंगे, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ इसे ऐसे बना के। और देखिए मैं इसे छोटी पूरी की तरह, ज़्यादा इसे दबा के नहीं बेलना है, हल्के हाथों से इसे बेलना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, इसे छोटी छोटी पूरी ही बनानी है। देखिए इस तरीके से, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं इतनी। उसके बाद गर्म ऑयल में इसे तल लेना है। पूरी हमारी कम आंच पे हम इसे बनाएंगे ताकि ये खास्ता बने। और ये देखिए बन चुकी है, अब इसे हम
बिल्कुल बाजार की तरह आराम से खा सकते हैं, और ये हर किसी की फेवरेट होती है। ये देखिए दिखने में कितनी अच्छी दिख रही है, और खाने में तो लाजवाब, मेरी तो फेवरेट है ये। और आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे, जिसे देख के हर किसी के मुंह में पानी आ जाए। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।